सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेदर प्लेट कैसे चेंज करी जाती है या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी का मोटर निकाल लेना है एंड इसका ड्रम प्लेट जो है वो बाहर निकाल लेना है, ठीक है गाइस। तो होता है किसी को नहीं आता गाइस, तो इसलिए बता दे रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए अच्छे से, अगर आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ड्रम प्लेट निकाल लेना है, ठीक है गाइस। तो एंड जो ये कचरा वचरा होता है ये निकाल दो अच्छे से, और फिर इसको अच्छे से डीजल या कुछ थिनर विनर मार के इसको अच्छे से साफ़ कर लो गाइस। और आपको लेदर प्लेट उतार लेना है इसका, एंड जो ये डोर वोर है इसको सबको निकाल देना है गाइस, ठीक है। तो ये जो बाहर जो ये अंदर इसके काला काला कचरा सा हो गया, ये सारा निकाल देना है इसका अच्छे से, और डीजल से साफ़ कर लियो उसके, तो बढ़िया है। एंड ये पुराना ही पूरे घंस गए हैं, तो इनसे ब्रेक नहीं बन रही अच्छे से, तो वैसे इनको आपको निकाल देना है, और इनकी स्प्रिंग भी आपको निकाल लेनी है। स्प्रिंग इनकी सही है तो गाइस आप यही वाले वापस लगा सकते हो, तो इनके स्प्रिंग खोल लो, यही वापस आप नए लेदर प्लेट में लगा सकते हो यही। तो देख लो किस तरह होती है इंक्वायरी, तो इनकी स्प्रिंग अच्छे से निकाल लो, अगर देख लो कोई टूटी वूटी हो तो फिर आप चेंज कर दीजिए, नवी स्प्रिंग डाल दीजिए उसमें, ये जो ख़राब है उसको साइड में करते हैं, और आपको नए वाले में इसको लगा देना। और गाइस अच्छे से लगाना है, देखना आपको अच्छे से समझना है इसको कि प्रॉपर आनी चाहिए स्प्रिंग, इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि लूज सी हो, एकदम पूरा टाइट होना चाहिए लेदर प्लेट, अच्छे से एकदम पूरा टाइट होना चाहिए। देखिए जिस तरह ये वाला है तो अच्छे से पूरा टाइट है, देखो तो इस तरह होनी चाहिए, तड़ होनी चाहिए इसकी एकदम प्रॉपर, तब जाके ये वर्क करेगा गाइस, ये नहीं कि पूरा ढीला पड़ा है ऐसे ही लूज हुआ पड़ा है, तो आपके ब्रेक नहीं लगने फिर अच्छे से, तो ऐसे ही पूरा टाइट होना चाहिए। फिर आपको इसको लेदर इसको साफ़ कर लेना है ड्रम प्लेट को अच्छे से, ये डीजल मार के, और आप थिनर भी मार सकते हो, उससे भी कर सकते हो उसको, फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, फिर इसके अंदर लगाने हो। एंड इस स्प्रिंग के अंदर भी जो ये ड्रम प्लेट के अंदर जो स्प्रिंग होती है, इसके अंदर भी आपको अच्छे से डीजल मार के इसके अंदर जो कचरा फंस जाता है उसको भी निकाल देना, वरना तो गाड़ी साउंड करती रही, जब भी ब्रेक लगाओगे तो पीछे से आवाज़ आएंगी, इसको भी आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है डीजल मार के, ठीक गाइस। अगर अच्छे से मारोगे साफ़ कर लोगे ना इसको, तो फिर आवाज़ नहीं आएगी, एंड हो सके तो इसमें मोबिल भी दे दियो ये स्प्रिंग में, तो गाइस अब इसको इसके अंदर आपको क्या करना, मोबिल दे देना है, यहाँ पे देना देखो, तो यहाँ पे आपको अच्छे से मोबिल दे देना है एक बारी, तो ताकि आवाज़ ना आए पीछे से, और अगर नहीं दोगे तो आवाज़ें आती रहती हैं, किसी चांस होता है कोई गाड़ी में आवाज़ें करती हैं बहुत सारी, अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है ऐसी जो जिसमें पीछे से ब्रेक लगाने पर आवाज़ें आती हैं पीछे ब्रेक की, तो आपको यही करना, आपको मोबिल दे देना है स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो देख लो मैं किस तरह डाल रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह डाल देना है इसके अंदर मोबिल, फिर सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी, जो भी ब्रेक का साउंड आता है ना पीछे से, तो नहीं गए, आपको मोबिल दे के इसको अच्छे से हिलाना है इसे, तो ये हो गया, अरे इसको साफ़ कर दो अच्छे से, फिर आपको लेदर प्लेट लगानी है, तो देख लो मैं किस तरह लगा रहा हूँ। देखो ऐसी स्प्रिंग होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपके ब्रेक बहुत अच्छे बनेंगे, तो इस तरह इसको फिट कर देना है। गाइस लग गया न्यू लेदर प्लेट, तो गाइस इस तरह से आप लेदर प्लेट लगा सकते हो, बहुत इजी है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है गाइस। तो फिर आपको मोटर कस देनी है, जैसे जैसे आपने खोली उस तरह वापस कस दो मोटर को। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।